मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कारोबारी प्रमोद शर्मा और उनके पार्टनर पुष्पेंद्र रजक के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने वाले बदमाश की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। इस बीच पुलिस के हाथ बदमाश के बैंक से पैसे निकालने के फुटेज और कुछ अन्य जानकारी हाथ लगी है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में साइबर सेल को एक्टिवेट कर दिया गया है, जल्द ही आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनकगंज में प्रमोद कुमार शर्मा ने एक लिखित शिकायत द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका केमिकल एजेंसी है, मेडिकल केमिकल की एजेंसी है और एजेंसी का क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए उसने जो है गूगल के माध्यम से ऑनलाइन देखा था कि क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ेगी। तो उस पर से एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने उनको क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के संबंध में बताया और उन्होंने विश्वास करके उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक और OTP मोबाइल में जो OTP आया वो दे दिया। तो उसके आधार पर उसने उनके अकाउंट से 1,13,000 का साइबर फ्रॉड किया और जब पता किया तो व्यक्ति कोई बदमाश था, साइबर फ्रॉडिस्ट था।